हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल फाउंडेशन क्लासेस में। दोस्तों, अगला वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, आज से हम एक न्यू टॉपिक, फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में साधारण ब्याज बोलते हैं। जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज भी बोलते हैं हिंदी में, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मेरा एक चैनल है महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स। आज से वहाँ एक न्यू कोर्स लॉन्च हुआ है। आज से रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का वहाँ से आज सिंप्लीफिकेशन से फर्स्ट क्लास स्टार्ट हुआ है। जो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में फॉर्म भरे हैं, जा करके वो वीडियो अवश्य देखें, 100% बहुत फायदा होगा। आप जो पढ़ा रहे हैं हम वो देखिए, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट ही मिलेगा, आपको कुछ नया सीखने आपको सीखने के लिए मिलेगा उसमें, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए आपको मिलेगा। आप अवश्य जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, या आप YouTube पे जाकर सर्च करें महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स। ठीक है दोस्तों, तो आज साधारण ब्याज हम लोग चर्चा करते हैं। साधारण ब्याज का डिफिनीशन क्या है बताइए, साधारण ब्याज किसे कहते हैं? साधारण, देखिए साधारण ही साधारण, ब्याज मीन्स ब्याज, साधारण ब्याज, जैसे नाम है वैसे काम है, साधारण। इसमें एक चीज बताइए, इसमें कभी लॉस होगा, कभी हानि होगा? नहीं होगा। इसमें हमेशा हमेशा लाभ ही होगा, ब्याज है, ब्याज ही मिलेगा हमेशा, इसमें लॉस का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो चलिए, इसका फॉर्मूला हम एक लिख रहे हैं, साधारण ब्याज का आपको एक फॉर्मूला लिख रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? तो कहिए सर, ये आप PRT/100 होता है, यही आपको पता है। अर्थात बोल सकते हैं मूलधन P4 मूलधन, R4 रेट, T4 टाइम, मूलधन गुने दर गुने समय बाय 100। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला को हमको ऐसे लिखना है। कभी भी लिखना है तो कहीं मूलधन का स्थान यहाँ रखेंगे, रेट का स्थान यहाँ रखेंगे, टाइम का स्थान दोस्तों यहाँ रखेंगे, और ये सिंपल इंटरेस्ट का स्थान यहाँ रखेंगे, और ऐसे ही सोल्व करते चले जाएंगे। आपको फॉर्मूला रखने की कोई जरूरत नहीं। जब भी मूलधन बोले आपको यहाँ बैठाना, रेट जब भी बोले तो यहाँ बैठाना है आपको, जब भी टाइम बोले तो यहाँ बैठाना, जब भी ब्याज बोले तो आपको यहाँ बैठाना है दोस्तों, ये याद रखना है। और एक और फॉर्मूला दोस्तों आपको ये याद रखना है, ये फॉर्मूला, दो ही फॉर्मूला इसमें बताएंगे आपको हम, बाद में वैसे ही सोल्व कर डालेंगे जितना भी क्वेश्चन हो। एक अमाउंट का फॉर्मूला होता था मिश्रधन, अमाउंट को मिश्रधन बोलता है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही होता है। अर्थात मिश्रधन बराबर क्या लिख सकते हैं आप? मिश्रधन बराबर क्या आप बोल सकते हैं? मूलधन जोड़ ब्याज। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? मूलधन जोड़ ब्याज, मूलधन जोड़ ब्याज। ये मिश्रधन बराबर मूलधन में अगर ब्याज ऐड कर देते हैं तो वही हो जाता है मिश्रधन। चलिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम सीख लेते हैं। जैसे 500 रुपया की धनराशि पर, तो 500 लिख दीजिए, 5% की दर से, तो कहीं 5%, 2 वर्ष में कितने ब्याज होगा? तो कहीं 2 निकाल दिए, कहीं 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 5 जा 25 2 जाए कितना, 50 रुपया ब्याज आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट में दोस्तों हमेशा सालाना ही निकालेंगे, यानी कि ईयरली निकालेंगे, मंथ में नहीं निकालेंगे, हमेशा हमेशा ईयरली ही निकालेंगे, ईयर में ही निकाला जाता है। जैसे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं कोई धन, तो मान लेते हैं एक धन, हमेशा धन को एक ही मानेंगे, एक्स ही मान सकते हैं, लेकिन हम हमेशा वन मानेंगे। कोई धन तो कहीं एक धन, किसी दर पे तो R% की दर पे, दो साल में वो दुगुना हो जाता है। तो 2 साल में कोई धन दुगुना हो जाए, अगर एक धन अगर 2 बन जाए तो कहीं ब्याज भी एक होगा। तो बताइए रेट परसेंट कितना होगा? 2 से काटे जाएंगे तो कितना, 2 5 50, यानी कि रेट कितना हो जाएगा? कहीं 50% हो जाएंगे सर। तो इसी टाइप से दोस्तों आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझे कि नहीं समझे दोस्तों? ऐसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे देखिए, जैसे हम लिख रहे हैं क्वेश्चन, 2000 रुपया की धनराशि पर, अच्छा ये क्वेश्चन हटाइए, हम बोल दे किसी धनराशि पर, तो मान लेते एक धनराशि पर 5% की दर से, तो 5% की दर से 4 साल में, 4 साल का ब्याज अगर 4 साल का ब्याज अगर 40 रुपीज है, तो बताइए वो धन कितना रहा होगा? बताइए ये हमको मूलधन 1 माने हैं, ये प्रिंसिपल 1 माने, तो 1 का मान निकालना, तो 5 4 जाए कितना, 20, 22 जाए कितना, 40, 200 जाए कितना होगा, 200।
तो मेरा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, कहीं सर 200 आ जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आप क्वेश्चन के माध्यम से ही कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड क्या है। 1600 का धनराशि, तो कहिए 1600 जो है दोस्तों नोट करते चले, 1600 रुपया की धनराशि, 1600 रुपया की धनराशि 2 वर्ष 3 महीने, तो कहिए यहाँ तो रेट का स्थान है, तो कहिए 8% की दर से 2 वर्ष 3 महीना है दोस्तों। हम बोले तो आपको ईयरली लिखना है, तो कहीं 2 वर्ष तो सर है ही, और ये 3 महीना है, तो 3 महीना को भी वर्ष बना दीजिए 12 से डिवाइड करके, तो कहीं 3 1 3 3 4 12, तो 4 2 कितना 8 1 9/4 आ जाएगा इसका, 9/4 वर्ष में ब्याज कितना मिलता है कि सर 2.52 मिलता है, तो क्या वार्षिक दर यानी कि आर का मान बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया कि 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 4 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 4 3 4 6 24 4 3 12 और 9 7 63 जो कि 7% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं आया बताइए, समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर टू देखिए, क्वेश्चन नंबर टू देखा जाए क्या है। 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, जैसे लिखते चले, 12% वार्षिक ब्याज की दर पर कोई धन, तो कहिए एक धन कितने समय में, तो कहिए टी समय में दोगुना हो जाए, तो कोई धन अगर दोगुना हो जाए, तो कहिए एक धन अगर बढ़ के 2 हो जाए, तो कहीं ब्याज तो एक ही आएगा ना, ये ब्याज का स्थान है ना, अभी बताए थे आपको दोस्तों, अभी जो बताए थे भूल गए आप, भूल गए अभी आप, अभी क्या बताए थे फॉर्मूला, क्या बताए थे देखिए, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ मूलधन का स्थान है, यहाँ रेट देंगे, यहाँ टाइम देंगे, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट आएगा हमेशा और हमेशा, वहाँ सिंपल इंटरेस्ट आएगा, यही तो बताए थे आपको, याद है कि नहीं है याद बताइए। तो एक हो जाएगा, तो आप बोल रहा है कि कितना रेट है, तो कहीं रेट के लिए कहीं 3 4 जा 25 4 जा 100, तो टाइम बराबर क्या लिखेंगे, 25/3 आ जाएगा, और 25/3 मीन्स कितना हो जाएगा, 3 8 1/3 यानी कि 8/1/3, लेकिन ऑप्शन तो नहीं है ऐसा, ऑप्शन नहीं है ऐसा, तो क्या करेंगे दोस्तों, कहिए तो 8 वर्ष है कि नहीं है, कहिए 8 वर्ष तो ये मेरा फिक्स हो गया, और 1/3 को मंथ बनाना है, तो 1/3 ईयर्स है, हम मंथ बनाने के लिए कहीं 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 4 12 8 8 ईयर 4 मंथ्स हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए अगला देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, क्या है क्वेश्चन नंबर 3। 500 की धनराशि पर, 500 रुपया की धनराशि पर, तो कहे 500 रुपया की धनराशि पर 12% साधारण ब्याज की दर से, तो कहे 12% साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है, तथा एक अन्य धनराशि 10% अन्य धनराशि, कहीं हमको पता नहीं है, फी मान लेते हैं 10% की दर से, तो कहे 10% की दर से 4 वर्ष बाद दोनों धनराशि, तो 4 वर्ष बाद ये भी और 4 वर्ष बाद ये भी, दोनों धनराशि पर प्राप्त कुल ब्याज 480 है, यही ना, कुल ब्याज 480 के बराबर दिया है बताइए, 480 दिया है, तो पूछ रहा है तो अन्य धनराशि क्या है, यानी पी का मान आपसे पूछ रहा है, तो कहिए 0 से 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ कितना हो जाएगा 12 5 जा 12 5 जा कितना आ जाएगा दोस्तों बताइए, 12 5 जा कितना 60 64 जा कितना हो जाएगा 24, यानी 4 2 4 0 प्लस यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 4p/10 लिख सकते हैं, इजिकल टू कितना दिया हुआ है, 480 दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है, आप देखिए ये माइनस हो जाएगा जाकर के उधर, तो यहाँ 4p/10 लिख सकते हैं कोई दिक्कत, आई ये माइनस हो जाएगा उधर जाकर के कितना हो जाएगा 0 0 8 4 4 4 2 माइनस करेंगे तो 2 होगा, आइए कट जाएंगे यहाँ से, तो 4 से 4 6 जा और 6 10 60 10 जा कितना 600, तो दूसरी धनराशि कितनी रही होगी, कहीं 600 होगा, 600 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा है, कहीं सी करेक्ट होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं बताइए, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन 4 देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे, क्या है क्वेश्चन। किसी साहूकार को पता चला कि वार्षिक ब्याज की दर 8% वार्षिक से 8% की दर से कोई दर था, 8% की दर से 7 × 3/4 यानी कितना 28 3 कितना हो जाएगा
31/4% हो जाएगा। वार्षिक रह जाने से उसकी आर्थिक आय में 61.50 की कमी आ गई। तो देखते हैं हम कितने की कमी आएगी, माइनस कर देंगे तो माइनस करेंगे तो 8 पर जाके एलसीएम लीजिए, 8 पर जा 32 और 32 में से 1 जाएगा तो 32 में से 31 जाएगा तो 1, अब है कितना 4%, तो कहीं कमी आ जाएगी 1/4% ही, लेकिन कमी आ जाएगी कहीं 61.50 की। तो डेसिमल हटाएंगे तो कहीं 0 बैठाएंगे डबल, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, है भाई 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से काटेंगे तो कितना, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 0 0 0 5 4 20 4 6 6 4 24 24,600 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर आज के लिए लास्ट चलते हैं 5, देखा जाए क्या है क्वेश्चन। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज, तो चार किसी धनराशि पर कहीं एक पर 4% की दर से, है ना, कहीं 4% की दर से और 8 माह का साधारण ब्याज। कभी बोले थे हमको ईयरली लेना है तो 8 माह को 12 में डिवाइड मल्टी कर देंगे, तो यहाँ से काटेंगे तो कहीं 3 4 2 4 12, यहाँ 3 4 12 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 से काटेंगे तो 25 आते हुए कट जाएगा, ऊपर में क्या है 2 है, नीचे में क्या है 75 है कि नहीं। इसमें चलिए चलते हैं क्या है, 8 माह साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से, कहीं उसी धनराशि पर यानी कि एक ही धनराशि पर, कहीं एक ही धनराशि पर 5% की दर से 15 माह का साधारण ब्याज। अब 15 माह का साधारण ब्याज है कि 12 से डिवाइड कर देंगे ईयर बनाने के लिए, तो कहीं 5 3 4 3 5 से काटेंगे तो 20 में कट जाएगा, आप 5 4 20 तो 4 4 कितना आ जाएगा 16, तो 1/16 लिख देते हैं तो 1/16 आ गया। क्या बोल रहा है, तो साधारण ब्याज से 129 रुपया कम है तो माइनस कर दीजिए, वही इसी के बराबर हो जाएगा, बताइए होगा कि नहीं होगा। अब ये तो इसके बराबर हो गया ना, आप बताइए ये जो सोल्व किए हैं ये 1/16 जो होगा किसके बराबर हो गया, ये जो 1/16 ये माइनस जो किए हैं यही तो माइनस बराबर हो जाएगा 129 के बराबर। आप क्या करें एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे कैसे बताइए, कहीं एलसीएम लेंगे तो कितना 75 कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा, तो 75 16 2 कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा, अब माइनस 60 से कट जाएगा 75 को 1 से कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, और ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, ये माइनस करेंगे तो 50 में से 8 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 7, और ये 6 में से 3 37 ये हो जाएगा, अब भाई 75 इंटू कितना आ जाएगा, ऐसे नहीं बनाना है दोस्तों ये बहुत हार्ड हो जाएगा, इसको छोड़ दिया जाए, ऐसे नहीं बनाया जाए, इस टाइप से क्वेश्चन ज़्यादा लंबा हो जाता है, आप ऐसे इसको ना बनाएं, आप ऐसे ना बनाएं क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों आपको ऐसे नहीं बनाना है, आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, हम बता रहे हैं दूसरा मेथड, देखिए क्या है, क्वेश्चन को छोटा कर दिया जाए। देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन, देखिए किसी धनराशि पर 4% की दर से, तो किसी धनराशि पर 4% की दर से, कही हाँ जी 4% की दर से 15 माह का साधारण ब्याज, तो 15 बाय कितना 12 लिख सकते कोई दिक्कत, तो 4 3 जाए कितना आ जाएगा, किसी धनराशि पर तो कही 4% की दर से, तो कही 4% की दर से 8 माह का साधारण ब्याज, तो 8/12 लिखेंगे क्योंकि ईयरली लेते हैं हम लोग, तो 4 से काटेंगे तो कितना 4 3 12 आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं आप 8/3% लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा चीज़ देखिए क्या है, कहीं उसी धनराशि यानी एक ही धनराशि पर 5% की दर से, तो कहीं 5% की दर से फिर 15 माह में, तो 15 माह के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे ईयरली बनाने के लिए, तो क्या होगा यहाँ से अगर काटेंगे तो कहिए 5 3 जा 12 4 3 जा कितना 12, अब नहीं काटिए
तो 5 5 जाए कितना 20 25/4% आ जाएगा इससे, तो 25/4% आ गया यहाँ से, आया कि नहीं। यही ना कम दिया है 129 के बराबर, बताइए। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे दोस्तों, यहाँ से एलसीएम लेंगे हम तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ से 3 4 जा तो 8 8 4 जा 32 आ जाएगा, और माइनस 4 3 जा 25, 3 जा कितना 75 आ गया। अब यहाँ माइनस नहीं लेना है दोस्तों, अब ये इसमें से उसको माइनस करें, ये दूसरे वाला में से पहले वाला को माइनस करें, तो यही 129 के बराबर दिया हुआ है कि नहीं। अब देखिए इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 7 में से 3 तो 4 आ जाएगा, बाय 12 परसेंट है तो परसेंट दे दीजिए, यही ना 120 के बराबर है। 43 3 जा 129, 12 3 जा क्या 36, तो ये 3600 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, ये थोड़ा लंबा हो गया था इसलिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे, थैंक यू, धन्यवाद।